So hi, my name is Nitish and I am working as mind trainer and healer. एक कहानी लेकर आया हूँ, कहानी एक लकड़हरे की, एक कहानी जो शायद आपकी है, ठीक से सुनना। एक लकड़हरा था, उसके पास कोई काम नहीं था, पैसे नहीं मिल रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था, बहुत घूम रहा था कि कुछ काम मिल जाए। जैसे ही वो जंगल में घूम रहा था, एक जगह पे बैठ गया, एक आदमी उधर आया, उसने उसको बोला कि आप मुझे कुछ काम है तो वो काम करोगे क्या? तो लकड़हरा बोला, हाँ मैं तो काम ही ढूंढ रहा था। तो बोला, अभी तो शाम हो गई है, कल सुबह आप इधर ही आ जाना, मैं आपको काम दूंगा, ठीक है? तो वो उधर आ गया, तो उसने उसको कुछ काम दिया और काम में उसको पेड़ काटने को बुलाए। तो वो तो बहुत खुश हो गया, उसको दिन के कुछ पैसे मिल रहे थे। तो फिर वो वहाँ पे आया और उसने एक दिन में 10 पेड़ काट दिए, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे थे तो वो खुश हो गया। यही सिलसिला 2 दिन 3 दिन चला और 6 दिन के बाद जिसने काम दिया था वो काम देखने के लिए फिर आया कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो जब वहाँ पे आया तो उसने देखा कि ये काम सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने पहले दिन तो 10 पेड़ काटे थे, अभी तो बस ये 2 ही पेड़ काट रहा है। फिर उसने थोड़ा सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने उस आदमी को जाकर पूछा, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो आदमी बोला, साहब मैं तो उसी शिद्दत से काम करता हूँ, उतने टाइम पे सुबह आता हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो उसने बोला, आप आपके हथियार को धार लगाते हो? वो बोला, नहीं। तो उसने बोला, एक काम करो, कल सुबह से आना और 1 घंटा अच्छे से धार लगाना, फिर काम स्टार्ट करना। और उस शाम को उसने फिर 10 पेड़ काटे थे। तो यही स्टोरी आपकी है? बहुत काम करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत एनर्जी लगाते हैं लेकिन कुछ अचीव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मालूम है? आप आपके स्किल को शार्प नहीं कर रहे हो। तो अपने स्किल को शार्प करो, कुछ नया सीखो। अलवेज फाइंड समथिंग मोर प्रीशियस नॉलेज। कोर्सेस अटेंड करो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, कुछ करो, लेकिन आपके स्किल्स को बढ़ाओ, तभी आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।